जय श्री राम। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। वो कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। बस इसी राम नाम की महिमा के दर्शन कराने के लिए आस्तिक परिवार आपके लिए लेकर आया है एक और सत्य घटना। कैसे एक संत की भक्ति के आगे उस समय के सबसे बड़े बादशाह ने अपना सर झुकाया। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। श्री रामानंदी संप्रदाय के संतों का पंजाब में एक स्थान है, श्री पिंडोरी धाम। वहाँ की परंपरा में एक संत हुए हैं, श्री नारायण दास जी महाराज। भजन, जप, साधना आदि के बल से श्री नारायण दास जी दीन दुखी पीड़ित व्यक्तियों को जो भी कहते वो सत्य हो जाता। धीरे धीरे उनके पास आने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। हालांकि नारायण दास जी किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं करते, लेकिन भगवान के नाम जप के प्रभाव से जो भी उनके पास आता उनका दुख दूर हो जाता। जब भीड़ बढ़ने लगी तब उनके गुरुदेव श्री भगवान दास जी ने कहा, अधिक भीड़ होने लगी है, यह सब साधु के लिए अच्छा नहीं है। इन चमत्कारों से भजन साधना में बाधा उत्पन्न होती है। अब तुम पूर्ण रूप से मौन हो जाओ और एकांत में भजन करो। किसी से ना कुछ बोलना, ना कुछ सुनना, ना कोई इशारा करना, केवल राम नाम का मानसिक जाप करो। नारायण दास जी गुरु जी की बात मानकर अंतर्मुख होकर साधना करने लगे। किसी से कुछ भिक्षा भी नहीं मांगते, जो किसी ने दे दिया वह प्रसाद समझकर पा लेते। एक दिन नारायण दास जी बैठकर साधना कर रहे थे, वहीं से जहांगीर बादशाह अपने सैनिकों के साथ जा रहा था। उसने सैनिकों से पूछा कि इस हिंदू फकीर को रास्ते से हटाओ। सैनिकों ने नारायण दास जी से हटने को कहा, परंतु वे कुछ ना बोले और ना ही वहां से हिले। बादशाह ने कहा, लगता है ये कोई जासूस है, इसको गिरफ्तार करके साथ ले चलो। बादशाह उनको अपने साथ लाहौर यानी कि आज के पाकिस्तान ले गया और उनसे बहुत पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, किसके लिए काम करते हो, वहां क्यों बैठे थे। बहुत देर तक पूछने पर भी वे कुछ बोले नहीं। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने वेद को बुलाकर कहा, भयंकर तीक्ष्ण हलाहल विष यानी कि जहर पिलाकर इसको मार दो। वेद ने एक प्याले में जहर भरकर उनको पिला दिया, पर उनको कुछ नहीं हुआ। बादशाह ने कहा, और पिलाओ। वेद ने दूसरा प्याला जहर पिलाया, परंतु नारायण दास जी जैसे थे वैसे ही रहे। ऐसा करते करते बादशाह ने उनको जहर के 5 प्याले पिलाए। बहुत देर तक इंतजार करने पर भी नारायण दास जी मरे नहीं। बादशाह ने कहा, एक और प्याला लाओ। लेकिन नारायण दास जी सोचने लगे कि पेट तो भर गया और छठा प्याला पीने का मन नहीं है। इतने में ही उनके गुरुदेव श्री भगवान दास जी, जो कि सिद्ध संत थे, वहां पर प्रकट हो गए। वे केवल श्री नारायण दास जी को दिखाई दिए। उन्होंने कहा, बेटा नारायण, श्री राम नाम के अमृत का क्या महत्व है, यह संसार को दिखाने के लिए यह छठा प्याला भी पी जाओ। श्री नारायण दास जी गुरुदेव की आज्ञा मानकर छठा प्याला विष का भी पी गए। अब बादशाह का माथा ठनका और उसने कहा, यह वेद हिंदू है, इस कारण से इसने कोई चालाकी की है, इसने विष की जगह साधु को कोई मीठा शरबत पिलाया है। बादशाह ने वेद से कहा, मैंने तुमसे जहर पिलाने का हुक्म दिया था या शरबत। वेद ने कहा, हुजूर ये शरबत नहीं है, ये तो भयंकर विष है। बादशाह ने कहा, कैसा जहर, 6 प्याले पिलाने के बाद भी ये मरा नहीं, हमें संदेह है कि ये जहर नकली है। वेद ने कहा, हुजूर आप किसी पर प्रयोग करके देख लो। सामने जहांगीर बादशाह का हाथी था, उसकी सूंड पर एक बूंद जहर छिड़का गया, वो हाथी तत्काल मर गया। बादशाह कांप उठा, उसकी समझ में आ गया कि यह कोई सिद्ध हिंदू फकीर है। बादशाह ने उनको छोड़ दिया और वे पुनः पिंडोरी धाम आ गए। गुरुजी ने प्रकट होकर उनको हृदय से लगाया और कहा कि तुमने श्री राम नाम की महिमा को प्रत्यक्ष करके दिखाया है, अब मेरी इच्छा है कि तुम आसन ग्रहण करो यानी कि महंत बनो और सबका हित करो। उधर जहांगीर के मन में रोज आता था कि पता नहीं कैसा विचित्र हिंदू फकीर था जो इतने तीखे जहर के 6 प्याले पचा गया। उसने बहुत शोध किया और अंत में यही सोचा कि कुछ लोग बहुत नशा करते हैं और इस कारण उनका शरीर जहरी हो जाता है, जहर पचाने लायक हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद एक बार बादशाह जहांगीर दोबारा पिंडोरी आए। वहां वे बाबा महेश दास जी से मिले, जो कि उसी आश्रम में रहते थे। जहांगीर ने बाबा महेश दास जी को देखकर पूछा, बाबा कुछ अमल करते हो। अमल यानी कि नशा। बाबा ने कहा, हाँ अमल करते हैं। बादशाह बोला,
कौन सा अमल करते हो? बाबा बोले, श्री राम नाम का अमल करते हैं। बादशाह को बात समझ में आई नहीं। उसने सोचा होगा किसी तरह का नशा। उसने कहा, बाबा आज का अमल पूरा हो गया। बाबा समझ गए कि बादशाह चमत्कार देखना चाहता है। वहां आश्रम के बाहर एक कुतिया रहती थी। बाबा जो प्रसाद लेते उसी में से थोड़ा बचाकर उसको खाने के लिए दे देते। वो कुतिया केवल बाबा का प्रसाद ही पाती थी। बाकी कितनी भी बढ़िया चीज कोई दे देता तो उसकी ओर देखती भी नहीं। बाबा बोले, हमारे अमल का तो पूछो मत, परंतु सामने यह कुतिया बैठी है, इसका अमल पूरा नहीं हुआ। बादशाह बोला, क्या अमल करेगी? अफीम का अमल करेगी। उस जमाने में सैनिकों को अफीम खिलाया जाता था, तो साथ में अफीम की पेटी थी। बाबा महेश दास जी बोले, हाँ हाँ अफीम का अमल करेगी। बादशाह ने कहा, वजीर संदूक से अफीम निकालकर इसको भरपेट अफीम खिलाओ। बाबा ने कुतिया से कहा, खा जाओ अफीम को। वह कुतिया देखते देखते 50 किलो अफीम खा गई। बादशाह ने कहा, स्वयं इस कुतिया का वजन 20 किलो भी नहीं है और खा गई 50 किलो अफीम, इतना अफीम गया कहाँ? उसने पूछा, बाबा क्या इसका अमल अभी पूरा नहीं हुआ? बाबा बोले, जब पूंछ हिला रही है तब तक समझना चाहिए कि अमल पूरा नहीं हुआ। बादशाह बोला, और कितना खाएगी? बाबा बोले, तुझे खा जाएगी, तेरी बादशाहत को खा जाएगी, ये सिद्धों की कुतिया है। बादशाह ने अपना ताज उतारकर बाबा के चरणों में रख दिया और बोला, बाबा आपकी फकीरी के आगे मेरी बादशाहत धूल है। बादशाह बोला, बाबा हमें कुछ सेवा दे दीजिए। बाबा बोले, हम एक लंगोटी के बाबा जी, हमारी क्या सेवा, इस कुतिया की सेवा कर ले। बादशाह बोला, ये कुतिया जितना घूम जाएगी उतनी जमीन संत और गौ सेवा के लिए दे दी जाएगी। वो कुतिया 70,000 एकड़ में दौड़ी। वो सारी जमीन कुतिया को दान में दे दी गई। बोलो बाबा नारायण दास जी महाराज की जय। तो मित्रों, देखा आपने, अपार शक्ति है राम नाम में। बड़े बड़े घमंड से लेकर बड़ी बड़ी परेशानियां कुछ भी नहीं भगवान के नाम के सामने। बिना किसी स्वार्थ के बस अपने इष्ट का नाम जपते रहो, फिर देखो असंभव से असंभव चीज भी कितनी आसानी से संभव हो जाती है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सगे संबंधियों और दूसरे इष्ट भक्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।